एनफोर्समेंट विंग और शाली बंडा पुलिस दोनों मिलकर एक ऑपरेशन में एक इंटरस्टेट ट्रक पेडलर को पकड़े हैं और 4 कंज्यूमर्स को भी गिरफ्तार करे हैं। टोटल 75 ग्राम्स ऑफ हेरोइन, 2 सेलफोन और 3,50,000 का रुपए का बरामद हुआ। इसमें सुरेश कुमार जो है ये इंटरस्टेट ट्रक पेडलर है, ये 24 ईयर्स है इसके और ये केमिकल फैक्ट्री जीडी मेटला में सुपरवाइजर का काम कर रहा था। तो ये राजस्थान का डिसकंटिन्यू करके 6 साल पहले हैदराबाद आया था। तो हैदराबाद में जीडी मेटला फैक्ट्री में काम कर रहा था और इसके जो दोस्त है और पहचान वाले हैं उनको हेरोइन ड्रग का आदत है बोल के उनको 6 महीने से बेच रहा था और 2-3 बार ये राजस्थान जाके वहाँ से थोड़ा छोटा सा अमाउंट में लेके आया और बेचने लगा। एक महीने पहले फिर से जाके 75 ग्राम्स का हेरोइन लेके आया और इसके जो रेगुलर कस्टमर्स है उनको बेच रहा था। वो रेगुलर कस्टमर्स का नाम है कैलाश पुरोहित, सुनील कवारा, राम प्रकाश, ये 4 लोग हैं और ये राजस्थान में जयंती लाल मंजू बोल के इनसे खरीद रहा था। तो ये टोटल 75 ग्राम्स हेरोइन पूरा इसका जो वैल्यू है 3.5 लाख है और देर 2 सेलफोन्स का बरामद हुआ। इस टोटल ऑपरेशन में हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग, शालीबंडा पुलिस और इसमें नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन विंग का कोऑपरेशन भी हुआ और ये ऑपरेशन में इंस्पेक्टर पी राजेश ये नारकोटिक्स विंग का इंस्पेक्टर है, मुनावर शरीफ शालीबंडा के इंस्पेक्टर और नरसिंह राव ACP NISW, माजिद ACP फलक कुमार, ये सब और पूरा शालीबंडा PS का स्टाफ इसमें शामिल है। इन सबको मैं मुबारकबाद ये अगर ये कमर्शियल क्वांटिटी एक बार चेक करेंगे, कमर्शियल क्वांटिटी है तो PDAC भी सुनो करेंगे। हेरोइन का 1 ग्राम ये 0.5 ग्राम भी बेच रहा था 2,000-2,500 को 1.5 ग्राम, तो 1 ग्राम का वैल्यू है लगभग 4,000 से 5,000 तक। अकड़ा 400-500 डिमांड बढ़ी।